Hey guys, back with another video. आज हम सुजुकी जिक्सर को रिव्यू करने जा रहा हूँ और यहाँ पर इस बाइक के ओनर मिस्टर नरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। तो हम वन बाय वन इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी, उसके बाद इसके इंजन की बात करेंगे और फिर परफॉर्मेंस, सबसे लास्ट में इसकी डाउन साइड की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं, बिल्ड क्वालिटी एंड बॉडी टाइप से। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक है, एवरेज, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और बॉडी के सबसे अच्छा पार्ट ये है कि इसके जो इंडिकेटर हैं बहुत फ्लेक्सिबल है, इसकी रबड़ बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जिसकी वजह से आप अगर एक्सीडेंट में गिरते उड़ते हैं तो ये डैमेज बहुत कम होते हैं। देखिए कितना फ्लेक्सिबल है ये। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल ठीक है। इसकी जिसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है पूरा पूरा डिजिटल है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है जो कि दूसरी बाइकों में नहीं मिलता। जैसे कि आप इसमें जो आप देख पाएंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। आप देखें गियर शिफ्ट का भी वो रहता है, जो जिस गियर में आप बाइक राइड कर रहे होंगे वो यहाँ पर दिखा देगा कौन सा गियर में आपकी बाइक है। और फ्यूल मीटर हो गया, इधर RPM हो गया और इधर ये स्पीडो मीटर हो गया। और आप देखेंगे कितने किलोमीटर आप राइड कर चुके हैं उसका, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है ये। इस बाइक का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो है मुझे लगा इसका जो ये एग्जॉस्ट है यूनिक है। आप देखेंगे ऐसा एग्जॉस्ट जब इसने निकाला था तो ये बाइक काफ़ी चर्चे में थी और इसके ऐसा एग्जॉस्ट किसी अदर बाइक में है ही नहीं। देखने में पीछे से भी अट्रैक्टिव लगता है आपके इसमें डुअल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। तो ये थे इसके कुछ बॉडी और बिल्ड क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन। तो ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है एवरेज है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। अब इस बाइक के इंजन की बात करते हैं तो इस बाइक का इंजन 155 cc 4-stroke सिंगल सिलेंडर इंजन है और इस बाइक का पावर 14.6 bhp है और बाइक का टॉर्क 14 Nm है। तो इस बाइक की जो पावर और टॉर्क है ठीक एवरेज है 150 cc सेगमेंट बाइक में। जैसे आप हॉर्नेट का देख लें तो उसकी पावर ज़्यादा है जबकि वो भी 160 cc ही है। अब इस बाइक की परफॉर्मेंस डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस बाइक के ओनर नरेंद्र हैं, वो इसकी परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। टॉप स्पीड की बात करें इस बाइक की तो मैंने इसे 115 की स्पीड से राइड की है। बाइक के अगर माइलेज की बात की जाए तो 45 से 50 के एवरेज निकालती है। अब इसकी ब्रेक की बात करें तो ये जो मेरे पास बाइक है ये सिंगल डिस्क वेरियंट है तो इसका जो फ्रंट ब्रेक है काफ़ी इफेक्टिव है लेकिन रियर ब्रेक उतना इफेक्टिव नहीं जितना होना चाहिए था। तो ये थी इस बाइक की परफॉर्मेंस। सबसे लास्ट में इसकी डाउन साइड की बात करते हैं तो इस बाइक में कुछ मेन डाउन साइड है। वैसे तो मतलब इनके अकॉर्डिंग छोटे छोटे बहुत सारे डाउन साइड मेरे सामने आए लेकिन मैं कुछ मेजर डाउन साइड जो है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसका जो पहला डाउन साइड ये है कि इसका जो राइडिंग पोस्चर उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि आप अगर लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो आप देखेंगे ये इंक्लिनेशन इसका थोड़ा ज़्यादा है। तो जैसे ही आप राइड करते हैं और आप सही से इसमें बैठ नहीं सकते लॉन्ग राइड के लिए। आप शॉर्ट राइड में सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए तो ठीक है लेकिन लॉन्ग राइड में आप अनकम्फर्टेबल फील करते हैं क्योंकि आप जैसे यहाँ बैठेंगे कुछ टाइम बाद आप ऑलरेडी अपने आप यहाँ आ जाएंगे इंक्लिनेशन की वजह से। तो ये था इसका पहला डाउन साइड। दूसरा डाउन साइड ये कि इसका जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा हार्ड है जिसकी वजह से जो बैक पैसेंजर है पिलियन सीटर है वो अनकम्फर्टेबल फील कर सकता है। थर्ड डाउन साइड की बात करें तो इसका माइलेज जो है अदर 160 बाइक है उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है। और नेक्स्ट डाउन साइड की बात करें तो ये इस बाइक का जब आप 60 से 70 से ऊपर स्पीड में ले जाते हैं तो बाइक के इंजन और साथ में इसके बॉडी में हल्का हल्का वाइब्रेशन फील होता है। हल्का क्या हम बोल सकते हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेशन फील होता है दूसरी बाइक कंपेरिजन में। और इसका जो नेक्स्ट डाउन साइड है वो है कि इसकी जो ये फाइबर और प्लास्टिक का जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है, मीडियम क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का नहीं है। अब इसके नेक्स्ट डाउन साइड की बात करें तो इसका जो रियर ब्रेक का पैडल है और अपना ये फुट होल्डर तो इस पर जो अपने फुट का ये पोजीशन है उतनी सही नहीं रहता, मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं रहता कि आप देख पाएंगे ये पूरा एंगल ऐसा लगता है कि 90 डिग्री पे ही है अपने पैर से तो ये आप हम अनकम्फर्टेबल फील कर सकते हैं। आप जैसे आप अगर गलती से अपने पैर को रिलैक्स करते हैं नीचे की ओर तो आपके ब्रेक दब जाएंगे। अगर ये ब्रेक थोड़ा सा और नीचे होता तो आप पैर को थोड़ा सा रिलैक्स कर पाते। तो ये था इसका डाउन साइड। तो गाइज ये थी इस बाइक की कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।